अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम ज़ाया करें। अभी मैंने यूसी मिनी को क्लिक किया है, जिसमें मैंने गूगल खोल रखा है, अट्रैक्टिव थंबनेल और मोबाइल। यहाँ मैंने सर्च करके एक अच्छी सी पिक्चर सिलेक्ट करके डाउनलोड कर ली है। अब आप मेन स्क्रीन पे देखें, पिक्सेल लैब आपको ऐप नज़र आ रही है, इसको क्लिक करेंगे। इसमें हमें बनाना है थंबनेल। थ्री डॉट को क्लिक करें, टॉप पर शो हो रहा है यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, फर्स्ट ऑप्शन को मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से मैं अपना इमेज वो सिलेक्ट करूँगी जो फर्स्ट पे शो हो रहा है, जो मैंने अभी भी डाउनलोड किया है। और यहाँ पे जो सेकंड पे हमें शो हो रही है रेशो 16:9, मैं वो सिलेक्ट करूँगी, बिकॉज वो हमारे उसके लिए थंबनेल के लिए वही यूज़ होता है। सो ये हमारी पिक्चर आ चुकी है। अभी न्यू टेक्स्ट लिखा रहा है, इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, अपना कोई सा भी टेक्स्ट जो भी लिखना है। कोशिश करें प्रोमिनेंट हेडिंग चूज़ करें, जिसको देख के ऑडियंस जो है फ़ौरन से आपके थंबनेल को क्लिक करें, और वही लिखें ऊपर जो वाकई आपकी वीडियो के अंदर कॉन्टेंट मौजूद हो। सो मुझे थंबनेल बनाना है, मैं सिलेक्ट कर रही हूँ हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल थंबनेल ऑन मोबाइल। थंबनेल बनाते बनाते आपको महसूस हो कि हमें चेंज करना चाहिए तो आप कर सकते हैं अपना टेक्स्ट, कभी भी एडिटिंग पॉसिबल है। सो अभी मैं इसको, मुझे लंबी लग रही है थोड़ी हेडिंग, मैंने ऑन मोबाइल को कट कर दिया है, और ऑन मोबाइल को मैं प्रोमिनेंट करके सेपरेट से लिखूंगी, ताकि वो प्रोमिनेंट हो के मोबाइल पे बनते हैं थंबनेल। सो इसको फिंगर के साथ ड्रैग करके हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं। नीचे बार नज़र आ रही है, यहाँ पे साइज़ ही आपको शो हो रहा है, इसको सिलेक्ट करके मैं इसका साइज़ चेंज कर रही हूँ, थोड़ा डिक्रीज कर रही हूँ। माइनस के ऊपर क्लिक करेंगे तो छोटा होगा, और प्लस पे करेंगे तो इंक्रीज होगा इसका साइज़। सो लेट मी चेक कि इसको कहाँ फिक्स करना है। सो ऐसे भी ठीक नहीं लग रहा, बिकॉज प्रोफेशनल जो है वो कट जाता है। सो इसको मैं नीचे पुट करके देखती हूँ, यहाँ पे भी नहीं, एग्जैक्ट फिट नहीं आ रहा, बिकॉज मुझे इसके पीछे अब कलर भी इसका चेंज करना है, बैकग्राउंड भी। यहाँ पे भी मैंने फ़िलहाल इसका कलर सिलेक्ट कर रही हूँ, येलो कलर सिलेक्ट करूँगी, बिकॉज येलो बहुत प्रोमिनेंट होता है जब भी उसके पीछे कोई बैकग्राउंड लगाया जाए। सो लेट मी फाइंड येलो कलर, और ये मिल गया। तो ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है, अब मुझे बैकग्राउंड पुट करना है। नीचे सारे ऑप्शंस आपको नीचे मिल जाएंगे, इजीली ढूंढना नहीं पड़ेगा, इनेबल करके, और यहाँ से मैंने ब्लैक कर दिया। अब मुझे चेंज करना है इसका फॉन्ट, फॉन्ट जो है वो मुझे बोल्ड नहीं लग रहा, तो प्रोमिनेंट करने के लिए मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगी। देखिए ऊपर एज अ सैम्पल शो हो रहा है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करती जाऊँगी और चेक करती जाऊँगी, जो मुझे बिल्कुल ज़बरदस्त लगेगा, फिट लगेगा, उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगी। सो ये देखें कितना प्रोमिनेंट हो गया पहले की नस्बत। सो इसको हम चेक करेंगे टॉप पे इसको फिट करना है या फिर नीचे फिट करना है, जहाँ पे आपको लगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सूट कर रहा है वहीं पे इसको पुट करिए। ओके, सो यहाँ पे पुट करने से मेरी पिक्चर सारी हाइड हो रही है, और मुझे थंबनेल्स ही तो दिखाने हैं ताकि उनको पता चले, कुछ लोगों को नहीं पता होता कि थंबनेल है क्या चीज़। सो यहाँ टॉप पे कुछ बेहतर लगा। अब हम सिलेक्ट करेंगे एरो, रेड कलर का एरो मैंने सिलेक्ट कर रखा है। नीचे इंपोर्ट के ऑप्शन को क्लिक किया मैंने, तो ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है एरो, ये है PNG, मतलब इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है। जब हम इसको स्क्रीन पे लेके जाएंगे तो इसका बैकग्राउंड हाइड हो जाएगा और सिर्फ हमें रेड कलर का एरो ही शो होगा। सो ये देखें, ये आ चुका है हमारे थंबनेल के ऊपर। अब मैंने इसको इस तरह से फिट करना है कि ये पॉइंट करे थंबनेल्स की तरफ, बिकॉज हमने थंबनेल्स की तरफ इशारा करना है, प्रोमिनेंट करना है। सो इसकी डायरेक्शन हम अपने फिंगर के साथ मूव करके, इसको ड्रैग करके चेंज कर सकते हैं, और ये अपने थंबनेल्स में यूज़ किया करें, रेड कलर के एरोस और क्रॉस अगर ज़रूरत पड़े, बिकॉज ये आपके थंबनेल को प्रोमिनेंट बनाते हैं। सो यहाँ कुछ बेहतर लग रहा है, तो हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सो अभी फिर से हमें नेक्स्ट इंपोर्ट पे क्लिक करके, और मैं अभी यहाँ पे अपना चैनल का लोगो सिलेक्ट करूँगी, ये मेरे चैनल का लोगो है, तो ये देखिए मेरी स्क्रीन पे आ चुका है।
आपने कोई भी पिक्चर सेलेक्ट की हुई है एज अ प्रोफाइल पिक्चर अपने यूट्यूब चैनल की या लोगो, उसको ज़रूर पुट किया करें अपने उसमें थंबनेल में, बिकॉज वो आपकी एक पहचान बनी रहती है। सो ये भी फिट हो गया। सो अब टेक्स्ट मैं मज़ीद ऐड करना चाह रही हूँ ऑन मोबाइल, ताकि वो प्रोमिनेंट नज़र आए कि हम अभी फ़िलहाल मोबाइल की बात कर रहे हैं, लैपटॉप पीसी की बात नहीं कर रहे अपनी वीडियो में। और आपको मेरी इस वीडियो में यही थंबनेल मिलेगा कि कैसे बनाया आपको, ताकि पता चले। अब देखें मैंने इसको थोड़ा साइज इंक्रीज किया इसका, और इसका कलर भी चेंज करूँगी। ये कलर यहाँ से चेंज होगा इसका, डिफरेंट कलर्स इसको ट्राई करके देखें जो आपको बेहतर लगे। बस ये ख्याल रखें एक तो अच्छा लगे, अट्रैक्टिव, और एक प्रोमिनेंट हो। सो लेट मी सिलेक्ट कलर्स एंड सी क्या होता है। सो इसमें भी येलो मैंने ट्राई करने की कोशिश की है कि कैसा दिखता है, और इसका बैकग्राउंड जो है रेड रेड तो ठीक नहीं लग रहा। सो कुछ और ट्राई करते हैं, कोई और कलर। लेट मी सी के कोई और कलर ट्राई करके देखते हैं। अगेन बैकग्राउंड पे जाएंगे और ब्लू, आई थिंक ब्लू अच्छा लग रहा है। सो ब्लू सेलेक्ट करेंगे, और इसका नीचे देखें ऑप्शन शो हो रहा है रेडियस का, ठीक है ये लास्ट पे। अब रेडियस को अगर मैं प्लस का साइन प्रेस करूँगी तो ये इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो जाएंगे, और वो ज़्यादा अच्छी लुक आती है आपके टाइटल की, टैग की, कुछ भी। ये देखें तो कितना अच्छा वो लग रहा है, उसकी लुक जो है राउंड हो जाती है ना उसके कॉर्नर्स। सो अभी थोड़ा और इसको मैं राउंड कर रही हूँ। अब मैं सिलेक्ट कर रही हूँ फुल HD, मैंने एक ऑप्शन देखा है, पिक्चर मैंने सेव किया, बिकॉज अगर मैं, मुझे लगता है मैं इसमें ऐड करूँगी फुल HD ऑप्शन, तो ऑडियंस इस चीज़ को ज़्यादा लाइक करेगी जब वो थंबनेल देखेंगे कि हमें HD क्वालिटी में थंबनेल बनाना सिखाया जा रहा है, तो वो ज़रूर मेरे थंबनेल को क्लिक करेंगे। सो इसको मैं क्रॉप करके और अपनी स्क्रीन पर ले जाऊंगी। इंपोर्ट किया है इसको भी, ठीक है। सो ये मैंने इसका साइज़ थोड़ा डिक्रीज़ किया, और रख के देखूंगी कि कहाँ पे ये सूट कर रहा है। सो यहाँ पे तो इतना अच्छा फिट नहीं लग रहा। सो अगेन देखते हैं, इस तरह तो पिक्चर हाइड हो रही है। सो आई थिंक इसको हम टॉप पर ले जाएं तो ज़्यादा सूट करेगा, यहाँ पर ये चीज़ जी। अब बिल्कुल मेरे मुताबिक मुझे अपना थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव और कंप्लीट लग रहा है, कोई कमी नज़र नहीं आ रही। आप मज़ीद अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ ऊपर ऑप्शन फ्लॉपी जो ड्राइव बनी हुई है, यहाँ से हम सेव एज इमेज करेंगे तो हमारा थंबनेल सेव हो जाएगा, सेव टू गैलरी, ठीक है। सेव हो चुका है। एड्स शो होती हैं वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन समटाइम कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। नाज़रीन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।